दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया में लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ददरी मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 2023 में भी किया गया है। लेकिन इस वर्ष का मेला हर वर्ष के मेला से सबसे अलग होने वाला है। ददरी मेला के भारतेंदु मंच पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस वर्ष यानी 2023 में होने वाले शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में, जो कि इस बार ऐसा कार्यक्रम पहली बार होने वाला है जो कि ददरी मेला में देखने को आपको मिलेगा। अभी तक का रिकॉर्ड है कि ऐसा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है। शाम तेरी बंसी। तो दोस्तों, जो मेले की शुरुआत होने वाली है वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 दिसंबर को कार्यक्रम का शुरुआत होने वाला है अनूप जलोटा और मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम से होने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होगा। और 2 दिसंबर को किशोर कुमार नाइट और फूलों की होली होने वाली है। आपको इस रात तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये रात किशोर कुमार के नाम पर यादगार रहेगा। 3 दिसंबर को भारत के सबसे प्रमुख सुहानी शाह का जादू देखने को मिलेगा। वैसे तो मेरी जो है दिल से इच्छा है कि मैं सुहानी शाह का जादू जरूर देखूंगा, जो कि 3 दिसंबर को होने वाला हो, जो कि पहली बार हमें ऐसा देखने को मिलेगा। वैसे तो बलिया में मुझे लग रहा है सुहानी शाह पहली बार आने वाली है। वहीं 4 दिसंबर को कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा लॉरेंस गणेश आचार्य का कार्यक्रम होने वाला है। इसमें आपको बेहतरीन डांस देखने को मिल सकता है। 5 दिसंबर को संकल्प संस्था की ओर से नाटक विदेशिया का मंचन होने वाला है। ये भी नाटक आपको देखेंगे। संकल्प संस्था नाटक के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कि देश में स्थान रखता है। बड़ी बात ये है कि जन्म से टपकी हुई लहू की एक बूंद आने वाले नस्ल के सारे के सारे खून में आग लगा। और वहीं पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 दिसंबर को, तो कुमार विश्वास का रामचरितमानस पर व्याकरण भी आपको देखने को मिल जाएगा। पानी के लिए तरसा रहा है एक इस मुल्क के रहने वाले हैं, जो श्राद्ध के पक्ष में अपने मरे हुए परदादा को भी पानी देते हैं। 7 दिसंबर को अनुपम यादव, निशा उपाध्याय, रितेश पांडे, माही मनीषा का भोजपुरी कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। वास्तव में 7 दिसंबर 6 दिसंबर प्रतिदिन हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग कार्यक्रम, जो कि आज तक नहीं देखने को मिला है। 8 दिसंबर की बात करते तो अखिल भारतीय मुशायरा आपको देखने को मिलेगा, जो कि उसमें आपको बहुत बेहतरीन इस बार मुशायरा आपको देखने को मिल सकता है। 9 दिसंबर की बात करें तो अपना बिलाया, जो कि स्थानीय कलाकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 10 दिसंबर को भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, डिंपल सिंह, काजल राघवानी का कार्यक्रम बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम होने वाला है। 10 दिसंबर, अभी तो 1 से 10 तक पढ़े हैं, प्रतिदिन कार्यक्रम बेहतरीन बेहतरीन देखने को मिल रहा है। 11 दिसंबर को बात करें तो बॉलीवुड स्टार्स के जो डुप्लीकेट कलाकार हैं, उनका पूरा रात कार्यक्रम रहेगा। आपको बिल्कुल हंसते हंसते आप जो है लोटपोट हो जाएंगे। 12 दिसंबर की बात कर तो हास्य कलाकार सुदेश कृष्णा और सुनील ग्रोवर की कॉमेडी तो आप लोग टीवीओ में देखे ही हैं, आज जो है बलिया के मंच पर भी देखने को आपको मिलेगा। अरे वो तो शुक्र मनाओ, मैं तो घबरा गया, मेरे हाथ में पापड़ था, ये हवे में ऊपर पापड़ मैं। 13 दिसंबर को सपना चौधरी का भी डांस आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। 14 दिसंबर को बलिया का सफरनामा समीर अंजान के द्वारा, समीर अंजान के बहुत सारे गीत जो है हम लोगों ने सुना भी है और अब बलिया में भी आपको देखने को मिलेगा। 15 दिसंबर को बॉलीवुड रॉक स्टार सुनिधि चौहान का कार्यक्रम। सुनिधि चौहान को कौन नहीं जानता है, बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन रॉक स्टार गायिका है, तो उनका भी कार्यक्रम पहली बार बलिया में होने वाला है सुनिधि चौहान।
दिल चुराना तो मेरी आदत। वाकई में भाई साहब 16 दिसंबर को अल्ताफ राजा साबरी ब्रदर्स वारसी ब्रदर्स की कव्वाली, अब तक की कव्वाली में पहली बार ऐसा होने वाला है, अल्ताफ राजा साबरी ब्रदर्स और वारसी ब्रदर्स की। और फाइनली 17 दिसंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने वाला है, जिसमें पूरे देश के सबसे प्रसिद्ध कवि आने वाले हैं। तो इस बार का जो ददरी मेला तो बिल्कुल अलग होने वाला है, और ये ददरी मेला भाई एक बार तो जरूर देखना बनता है। तो भैया कहीं भी आप है तो छुट्टी लेके आ जाइए 1-23 लेके 17 दिसंबर तक का जबरदस्त कार्यक्रम देखने के लिए। और इस बार के मेला का भी जो है कार्यक्रम बहुत बेहतरीन होने वाला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आपको बता ही दिए हैं, मेला भी बहुत बढ़िया सजने वाला है। तो ये था ये फिलहाल में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, फिलहाल कहते हैं गुड बाय।